Alright uh, very warm welcome to each one of you so i hope i am visible as well as audible to you guys really sorry really sorry okay that proves i am so really sorry for it um ओके okay गाइस तो आज का हमारा क्लास किस लिए है आज हमने जो क्लास लगाया है वो उस क्लास का पर्पस क्या होगा उस क्लास का पर्पस है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कर पाएँ एंड uh, यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट लिटरेचर क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करने वाले हैं क्लास एलेवेंथ के लिए सो so, कुछ एक चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिया इनफैक्ट बहुत कम ऐसे चैप्टर्स हैं जो बचे हैं और जो हमने किए नहीं हैं प्लस पे स्पेशल पे डेफिनेटली बहुत सारे चैप्टर्स uh, बचे हैं बट वी आर कमिंग अप रियली यू नो वी आर कमिंग अप विथ समथिंग रियली न्यू इट इज़ अ सरप्राइज टू ऑल ऑफ यू माई यूट्यूब फैमिली सो वी आर कमिंग अप विद मोर फ्री लेक्चर्स आई गेस सो आई टेल यू वैन इट इज़ हैपनिंग एंड हाउ इट्स हैपनिंग इन एवरी थिंग सो आई स्पिल्ड द बेन्स सॉरी सो वी आर गोइंग टू डू दैट बट एज ऑफ नाव मैं आपके लिए कुछ इलेवेंथ uh, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आई हूँ तो इनको हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेंगे लाइक क्वेश्चन लेके आए हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं लाइक like, जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए नाव फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक अन अकेडमी प्लस सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं और इसमें और ज़्यादा फीचर्स ऐड कर दिए हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो ऑलरेडी हमने प्लस पे डिस्कस स्पेशल पे डिस्कस किया हुआ है सो इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड यू नो टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहें तो आप जो भी लें चाहें प्लस या आइकॉनिक तो आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएटिव कॉर्नर जिसके थ्रू आप अपनी हॉबीज को एस कर सकते हैं and you can use my code uh, sdc18 sdc live it is actually the uh, the code is actually given in the description box you can check that out so the code is there in description box it's capital sdc live without any space so you can use that uh, or sdc18 so now let's begin with the question सो so, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं ताकि इसे आपको आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए सारे चैप्टर्स का और साथ ही साथ में आप कुछ क्वेश्चंस भी याद कर लें तो सबसे पहले तो टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट मिस्टर मग हियर सो मिस्टर मग इज सीक्रेट इज देर इज नो कैफीन बिक इज मिस्टर मग हैज गुआवा जूस ओके ऑन so we have the first question right on the screen guys and 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 is my video coming in your way yes it is चलिए थोड़ा सा video shift कर लेते हैं थोड़ा सा वीडियो शिफ्ट हो जाए नीचे की तरफ भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे की तरफ इसे शिफ्ट कर लेते हैं ठीक है जी नाउ सॉर्टेड All right, write a character sketch of the author's grandmother using following words. So, character sketch तो आपको पता ही है वैसे ही बड़े ही महत्वपूर्ण type of questions है सो कैरेक्टर्स स्केच तो आपको करनी है uh, कोशिश करूंगी कि एक यू uh, नो uh, you know, एक क्लास आपके लिए कैरेक्टर स्केच की भी लगाऊं एंड uh, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो एक हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास हुआ था कल जिसमें हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़े थे तो जस्ट इस वीडियो के ऊपर वाला वीडियो देख लेना इंग्लिश सेक्शन में आपको पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो जाएंगे ऑल्सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग चैंपियनशिप टेस्ट गोइंग ऑन ऑन फर्स्ट ऑफ नवम्बर For all these streams and subjects, you can go and enroll yourself using the link given in the description uh, description box, and you can earn scholarships up to 5 lakh rupees, guys. That is insane. I know. तो पांच लाख तक की scholarship आप जीत सकते हैं. Link दिया हुआ है description box में. जाके ja check out कीजिएगा. So अभी आ जाते हैं वापस से question पे. तो यहाँ पे आपको author की grandmother का character sketch देना है. कुछ words को आपको यहाँ पे use करना है. Affectionate, uh, affectionate. केयरिंग काइंड एंड बेनिवलेंट रिलीजियस और स्ट्रोंग वूमन सो ये कुछ वर्ड्स आपको यूज करने हैं अच्छा इंडियन जो ऑथर की मॉम थी वैसे हम इस, इस चैप्टर में उसकी बात कर रहे हैं कुशवंत सिंह वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में डेफिनेटली जो ऑथर की कुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी वो शायद इन सारे वर्ड्स को जस्टिफाई करती हैं बट यहाँ पे वो आपको जो इसमें बताना है जो आपको आंसर में लिखना होता है ना बच्चों आपको ये बताना है कि ये सारे वर्ड जस्टिफाई कैसे हुए बाय द चैप्टर तो चैप्टर में ऐसे कौन कौन से इंसिडेंसेस थे जिनसे आपको ये पता चलता है कि ऑथर की मदर ग्रैंड मदर में ये सारे यू नो एट्रीब्यूट्स थे तो एक बार आंसर चेकआउट करते हैं और लगे हाथ ये चैप्टर भी हमारा रिवाइज हो जाएगा the author's grandmother was not pretty but the author uh, but to the author she was a beautiful woman in um, an embodiment of ser uh, serenity and contentment she was a pious and a religious lady who was always telling beads of her rosary her lips constantly moved in in audible prayer she was an affectionate and a caring woman she shared a special relationship with author she woke him up uh, each morning, bathed him, dressed him, plastered uh, his uh, wooden slate, gave him breakfast, walked him to school. सो so, uh, जैसे मैंने आपको बताया इन सारे जो इसकी कैरेक्टर स्केच में लाइक इस uh, पूरे चैप्टर में जिसमें ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच दिखता है उन सारे वर्ड्स को जस्टिफाई करने के लिए आपको बताना पड़ेगा वो उन्हें नहाती थी वो uh, उन्हें तैयार करती थी उनके साथ वो अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी वो हमेशा माला फेरती रहती थी तकी से वो यू you नो know, मतलब उनका नेचर था बड़ी स्वि uh, लेडी थी वो तो वो माला फेरती रहती थी यू नो स्ट्रे डॉग्स के लिए चपातीज़ बनाती थी uh, उसके बाद में जब वो वहाँ गई आ, सिटी में गई तब उन्होंने स्पेरोज को ब्रेड खिलाना चालू किया ठीक है और यू नो आसपास से लोगों को बुलाती थी और लोगों को बुला के लाइक बुलाया था जब ऑथर वापस घर आए Uh, अपने अब्रॉड से स्टडीज़ करके तो आसपास के लोगों को बुलाया और बुला के और उन लोगों के साथ में उन्होंने काफ़ी ड्रम्स और यू you नो know, ये सारी चीज़ें भी की सो so आपको बताना है कि वो एज अ इन अ कैरेक्टर वो कैसी थी क्या वो बहुत स्वीट थी बहुत इंजॉयबल थी स्परिचुअल uh, थी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी सबसे बहुत ज़्यादा केयरिंग थी बहुत ज़्यादा काइंड थी, थी बड़ी ही स्ट्रॉग वुमन थी अच्छा स्ट्रॉन्ग वुमन वाले को कैसे प्रूव करोगे स्ट्रॉन्ग वुमन के लिए आपको क्या करना है आपको वो इंसिडेंट्स बताना है जिसके अंदर जब ऑथर जा रहे थे पढ़ने के लिए तब वो बिल्कुल नहीं रोई मतलब ऑथर उनको वो इतना पसंद करती थी बट वो जब जा रही थे तब भी वो रोई नहीं उन्होंने बड़े स्ट्रांगली उन्हें किस किया और उसके बाद में शी वॉज लाइक ठीक है यू आर कमिंग बैक होम तो शी शी डिड नॉट फील दैट बैड वैन ऑथर वॉज गोइंग तो वो इतनी ज्यादा इमोशनल नहीं थी शी वॉज वेरी स्ट्रांग वेरी टफ लेडी The grandmother herself was not formally educated but was serious about author's education. How does the text support this? Now, बेटा आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे लाइक like लिटरेचर में देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन के भी आ सकते हैं कि आप बताइए कि ये कैसे मतलब इंटरप्रिटेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वहीं हम अटकते हैं क्योंकि हम खुद से लिखने लग जाते हैं और जब हम खुद से लिखने लग जाते हैं तब तो बेड़ा बेड़ागर्ग तो अभी यहाँ पे हमने मस्त एकदम इसका आंसर देख लिया है ना इस आंसर के अंदर क्या लिखा हुआ है इस आंसर के अंदर लिखा हुआ है कि ग्रैंड मदर फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी ऐसा नहीं था कि वो कुछ एजुकेशन उनकी की हुई थी वो भाई इंजीनियर थी या कुछ थी ऐसा नहीं था बट वो ऑथर को पढ़ाना चाहती थी शी कुड रीड द स्क्रिप्चर शी रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड डिड नॉट लेट ऑथर मिस स्कूल उन्हें पता था उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी वजह से उन्होंने ऑथर को स्कूल मिस करने नहीं दिया

in the city she could not accompany him to school as he went by the school bus he was now an english uh, now in an english school where they taught science she could not understand english and did not believe in science the fact that they were not um Taught about God made her unhappy. मेड Singh's music lessons in school upset her over its lewd association. She took an interest in the author's education. So उन्होंने बहुत interest लिया वो उन्हें पढ़ाना चाहती थी वो लिखाना चाहती थी उन्हें बट जब school में उन्हें English पढ़ाया गया उन्हें science पढ़ाया गया तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई वो क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यार इन्हें God के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता गॉड के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है पढ़ाने के लिए उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया जाता तो एक चीज उन्हें वो बहुत बुरी लगी उसके बाद में जब ऑथर को म्यूजिक लेसन मिल रहे थे जब बोथ स्कूल में म्यूज़िक सीख के आते थे तब उन्हें और ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि उन्हें लगता था कि म्यूज़िक्स म्यूज़िक सीखना आ, जो अच्छे लोग होते हैं उनका काम नहीं होता गाना बजाना बाकी लोग करते हैं लाइक उनके अकॉर्डिंग बैगर्स करते हैं एंड यू नो द अदर काइंड ऑफ़ पीपल सो वो लोग करते हैं जो उससे कमाते हैं हम लोग ऐसे नहीं हैं इसीलिए उनका मानना था कि म्यूज़िक अच्छी चीज़ नहीं है आ, और इसीलिए वो थोड़ी सी बुरा उनको लगा था बट उन्होंने कभी ये शो नहीं किया Gradually, the author and the grandmother saw less of each other, and their friendship was broken. Was the distancing deliberate or due to the demands of situation? देखिए धीरे धीरे author और grandmother के बीच में एक separation definitely आया था और ये जो separation था वो separation actually बहुत uh, painful था और यहाँ पे जो major question आपसे पूछा गया है वो ये है कि ये जो distancing हो रही थी ये जो ऑथर uh, अलग हो गए थे अपनी ग्रैंड मदर से ग्रैंड मदर और ऑथर की फ्रेंडशिप जो टूट गई थी क्या ये जानबूझ के किया गया था या फिर ये सिचुएशन ने कर दिया तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि ये सिचुएशन की वजह से हुआ था वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो कभी ऐसा नहीं करना चाहते थे कि uh, वो दोनों अलग हो जाए सो वेल दी ऑथर वॉज यंग बॉय हिज पेरेंट्स शिफ्टेड टू सिटी लिविंग हिम विद हिज ग्रैंड मदर दे वर गुड फ्रेंड शी वॉज विद हिम थ्रू द डे एंड इवन अ कंपनी फ्रॉम स्कूल बट वैन हिज पेरेंट हट सेटल इन द सिटी दे सेंट फॉर दैम तो जैसे ही वो वहाँ सेटल हो गए उन्होंने बुला दिया कि भाई आप आ जाइए यहाँ पे दिस प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन देअर फ्रेंडशिप और इसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया द ओनली थिंग दैट रिमेन अनचेंज वॉज देयर कॉमन बेडरूम केवल एक चीज जो थी जो चेंज नहीं हुई थी वो था कॉमन बेडरूम जिसको वो शेयर करते थे शी uh, could नॉट accompany हिम टू स्कूल एज दे एज ही वेंट बाय स्कूल बस अब वो वैसे उन्हें अकंपनी नहीं कर पा रही थी जैसे वो पहले किया करती थी अब वो इंग्लिश uh, स्कूल में जाते थे जो कि वो नहीं पढ़ा सकती थी क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता था, था साइंस में वो बिलीव नहीं करती थी उन्हें भगवान जी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था जिसकी वजह से काफ़ी वो अनहैप्पी हो रही थी म्यूजिक लेसेंस दिए जा रहे थे जिसकी वजह से वो दुखी हो रही थी उन्हें लग रहा था कि ओ माई गॉन्ड म्यूज़िक लैसेंस क्यों दिए जा रहे हैं हद तो तब हो गई जब उन्हें यूनिवर्सिटी भेजा गया पढ़ने के लिए और वहाँ पे उन्हें ऐसा लगा कि ओ माय गॉड ये बच्चा यूनिवर्सिटी अगर जाएगा तो वो मेरे से और ज़्यादा दूर हो जाएगा तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा दूर दूर वो होते गए ये डेलिब्रेट नहीं था सिचुएशनस की वजह से हुआ था बाई द वे स्टूडेंट्स द चैट्स आर टर्नड ऑफ सो दैट यू नो इट इट डजन डिस्टर्ब मी इन बिटवीन अदरवाइज द फ्लो ऑफ द नेगरिटिव ब्रेक्स सो दैट्स वाई चैट्स आर नॉट देयर

so okay so we have got you covered don't worry all right let's move forward the first indication of impending disaster came about 6 pm acha ye beauty hai uh, iski we are not afraid to die ki we are not afraid to die mein kya hai ki aapko question pata hi nahi chalega kahan se aaya मतलब उसमें आपको कोई डे दे दिया जाएगा कोई time दे दिया जाएगा और अब आप खुद सोचो कि कौन सा disaster कौन से डिजास्टर की आप बात कर रहे हो क्या हुआ था सो ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एक्चुअली वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर बनाता है आपके पूरे करिकुलम का ये जो टाइम वाला करिकुलरियो है आपको टाइम याद रखना पड़ेगा आपको डेट्स याद रखनी पड़ेगी और कौन से टाइम पे किस डेट को क्या हुआ था वो याद रखना पड़ेगा क्योंकि केवल एक हिंट मिलेगा आपको क्वेश्चन में सो दैट्स गोइंग टू बी देयर हाई टू मिस्टर कप

तो एकदम से बहुत चल रही थी और एकदम से सब शांत हो गया था Winds एकदम से शांत हो गई थी. Sky और ज़्यादा हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे sky रोर कर रहा रहा हो. ऐसा लग था सारे जितने क्लाउड्स हैं वो बस शिप के पीछे आ गए हो और शिप के पीछे चल रहे होंगे अच्छा इसके बाद में ऐसा लग रहा था हमारे पीछे क्लाउड है बट बाद में पता चला कि वो क्लाउड नहीं है वो वर्टिकल वेव है और बाकी सारे वेव्स की ट्वाइस द हाइट ऐसी वेव है जो बाकी सारे वेव्स की दुगनी है और इतना ज्यादा बड़ा इतना ह्यूज है कि अगर बाय चांस तो वो शिप से टकरा गया तो गया शिप इसके बाद में उन्हें लगा कि ठीक है Uh, उन्होंने लाइक uh, uh, like, जो हमारे ऑथर हैं जो हमारे नरेटर हैं उन्होंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं वट आई डू इज मैं इसमें से निकाल लूंगा शिप को कोई दिक्कत नहीं है और जैसे ही उन्होंने शिप को निकालने की उसमें से कोशिश की इतना जोर से एक्सप्लोजन वहां पे हुआ ठीक है शिप के अंदर वाटर आ गया नरेटर का हेड जाके व्हील पे टकरा गया वो एक्चुअली uh, वो इतनी जोर से उनको इतना जोर से फेंका उस पूरे एक्सप्लोजन ने कि वो जाके बाहर गिर गए और नरेटर ने अब नरेटर को पता चल गया था दैट इज गोइंग टू डाई उन्हें पता चल गया था कि अब तो हम लोग सब मरने वाले हैं और वो धीरे 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 जब उनके दिमाग में ये चीज़ आई वो बेहोश हो गए बट जैसे ही उनको आ, ये रियलाइज हुआ कि नहीं आ, मतलब जैसे ही वो वापस से आए एकदम से उन्हें एक रैग डॉग की जैसे रैग रै, डॉल होती है ना तो कपड़े की जो गुड़िया होती है उसकी जैसे एकदम से वापस से शिप के अंदर पुट कर दिया Uh, उन्ही वेव ने और वो वापस से वहां गए अब वो चाहते थे कि वो चेकआउट करे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है बच्चे कैसे है सब लोग कैसे हैं सो देन ही चेक दैट आउट हम्म हाउ डिड द डील विद द वॉटर दैट दैट है शिप so तो जो वाटर अंदर आ गया था जो गश हो गया था शिप के अंदर एकदम से क्योंकि इतना ऐसे ऐसे आपका शिप चल रहा है और इतना इस तरीके से वर्टिकल आपका वेव है और वो आपके उसमें टकराएगा तो अभी ऑब्वियसली वेव के तो कोई सहारा है नहीं ना तो वेव में तो जो पानी है वो ऑब्वियसली शिप के अंदर आएगा तो एग्जैक्टली exactly वही हुआ था शिप के अंदर पूरा पानी आ गया था अब शिप के अंदर इतना ज्यादा पानी आ गया तो उस पानी को कंट्रोल कैसे करें So, Mary took, uh, took control of the wheel. The narrator made his way towards the hatch. Larry and Herb um, were pumping out uh, water frantically. He saw broken timbers hanging and the starboard side buggled inwards. Clothes, crockery, charts, tins, toys all sloshed about in deep water. Okay, you can always hear the drums. So I'll tell you this thing. I think you can hear the drum. If not, you, you will be. So we have uh, we have uh, elections coming on first of November, and that's why we have campaigning all day. And I don't have an uh, option of uh, muting this as, as well. I can't stop them. So all you can do is you can dance right now. <laughs> you can dance. <laughs> so I'm like, let them pass away, and then I'll teach. Okay, it was not that huge. Like, it was huge when uh, I was taking a special class, with literally. So, okay, I think it's pretty much uh, uh, like uh, I'm pretty much audible to you. सो ना इफ आई टेल यू के यू uh, नो uh, you know, ये सारी जो चीज़ें हुई थी वो यू uh, नो you know, uh, किस तरीके से वो पूरा जो पानी आ गया था उसे उन्होंने कैसे निकाला कैसे डील किया ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अगर तो वो उस पानी को वहां से नहीं निकालते तो शिप uh, बहुत बुरी तरीके से डूब जाती शिप डूब जाती तो वो वहीं मर जाते चैप्टर ख़त्म बट आगे इसके ऊपर इसके ऊपर और ज्यादा इवेंट्स और होने वाले हैं इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना मैरी ने क्या किया जैसे ही आ, नरेटर अंदर आए और नरेटर ने बोला कि यार ऐसा हो गया था कि मैं तो यहाँ से बाहर पिक गया था और ऐसा ऐसा हुआ तो नरेटर ने बोला कि तुम ऐसा करो तुम व्हील संभालो फटाफट से मैं देख के आता हूँ क्या क्या हुआ है तो नरेटर फटाफट से हैच के टूवर्ड्स गए लैरी और अब क्या कर रहे थे बेचारे पानी को पंप कर रहे थे बाहर फेंक रहे थे उन्होंने देखा कि टिम्बर्स टूट गए हैं वो मतलब यू नो वो भी बेचारे उसमें लहरा रहे हैं क्लोथ क्रॉकरी चार्च टिन टॉय सब कुछ उस वाटर के अंदर शिप के अंदर ही था वाटर तो सब कुछ उस शिप के वाटर के अंदर ही तैर रहा था कैसे जैसे उन्होंने स्ट्रगल किया वो चिल्ड्रन के केबिन में गए उन्होंने एक हामर ढूंढा कुछ क्रूज ढूंढे कुछ कैनवस ढूंढा कुछ लेबर्ड बैक देख मतलब ये सारी चीजें देखा और लेबर्ड ही लेबर्ड बैक टू द डेक तो उन्होंने कैसे जैसे वापस से कोशिश करके डेक तक वो गए ये सारे सामान वो लेके आ गए थे नाउ ही मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स तो जहां जहाँ पे होल्स हुए थे उस एक्सप्लोजन के साथ में वहां से पानी आ रहा था तो उस पानी को बंद करने के लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने कैनवस बिछा दिया कैनवस में ऑब्वियसली कैनवस की वजह से पानी नहीं आ सकता था तो कैनवस बिछा दिया उसको ऐसे ठोक ठोक के एकदम पूरा और जहाँ पे भी होल्स रखे थे उनके अंदर भी ऐसे गोल गोल करके और होल्स के अंदर भी उसको डाल दिया ताकि पानी ना आ पाए तो so, उन्होंने वो सारी चीजें की प्रॉब्लम क्रॉप हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द फ्रैगमेंट्स फ्लोटिंग अराउंड द केबिन अब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो थी वो बस आराम से तैरती हुई आ रही थी जिसकी वजह से जो पंप होता है जिससे आप पानी को बाहर वापस फेंकते हो उसी में वो पंप एकदम से ब्लॉक हो गया था क्योंकि वो चीजें बह बह के उनमें अटक गई थी तो ये मेजर प्रॉब्लम वहां पे होने लग गई वाटर रोज और ज्यादा मतलब वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ने लग गया और ज्यादा राइज कर गया अभी यहाँ पे डेफिनेटली uh, उन्हें पता चला कि अभी उनके पास डेफिनेटली ये हैंडपम्प भी काम नहीं करने वाला है उन्हें और हैंडपम्प की ज़रूरत है एंड दैट्स वैन दे डिसाइडेड कि अभी हमको और हैंडपम्प चाहिए और दो स्पेर हैंडपम्प उनके पास पड़े थे वो लेके आए फिर उन्होंने सारे जो मेजर यू नो चीज़ें करनी थी जो अरेंजमेंट्स करने थे उन्होंने वो अरेंजमेंट्स किए उन्हें एक इलेक्ट्रो एक इलेक्ट्रिक पंप मिला जिसके थ्रू एक्चुअली वो ये पूरा पानी जो था वहाँ से बाहर निकाल पाए दे डेस्परेट टू लुक फॉर एन आईलैंड हाउ डिड दे मैनेज अब ये एक ही बार नहीं हुआ था बहुत सारी चीजें हुई थी यहाँ पे सो क्वेश्चन ये आता है कि वो उस आईलैंड को ढूंढ क्यों रहे थे और कैसे उन्होंने कैसे जैसे मैनेज करके वो वहाँ पहुंचे नाव जैसे वो फिफ्टीन आवर्स तक सर्वाइव किए उनको बहुत ज्यादा वेव हिट किया था बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ हो गई थी जैसे वो फि यू नो वापस से फिफ्टीन आवर्स सर्वाइव किए वॉ वेकर जो था लाइक वाव वेकर वा वे वॉकर जो था वो डेफिनेटली इतना ज्यादा नहीं चल पाएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचा दे सो so, उनको ऐसा लगा कि अभी हम लोगों को आसपास कोई आइलैंड ढूंढना पड़ेगा जो आइलैंड पे हम लोग रुक सके और सर्वाइव कर सके नरेटर ने चेक किए चार्ट को कैलकुलेशंस किया और उनको दो छोटे छोटे आइलैंड पास में दिखे अभी यहाँ पे एक आइलैंड उनमें से था एल एमस्टेम एल की स्पेलिंग गलत है सो so, उनमें से उसको एक मिला एल एम्स्टम और जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था अभी यहाँ पे जिस तरीके से उनकी वेव्स जा रही थी और जैसे सारी चीज़ें चल रही थी उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया और उन्हें पता चला कि ठीक है उन्होंने यहाँ पे लैरी को और हॉब को भी बता दिया था कि इस तरीके से तुम्हें इस डिग्री में उसको टर्न करना है तकी से तुम यहाँ पे पाँच बजे तक पहुँच जाओगे एंड जैसे ही वो जैसे ही यू नो you know, वो फिर उसके बाद सोने चले गए क्योंकि अभी उन्होंने हार मान लिया था उनसे नहीं होने वाला था तो जैसे ही वो उठे उन्हें लगा कि ओ माई गॉड जरूर आईलैंड हमने मिस कर दिया होगा और ऐसा तो है नहीं कि जैसे अपना रोड होता है उसमें हम कुछ मिस कर गए तो हम लोग टर्न करके आ जाते हैं ऐसा नहीं होता इसमें सो so उन्होंने बोला कि मैं टर्न करके भी नहीं जा पाऊंगा इतने में उनके बच्चे आए और उनके बच्चों ने उन्हें हक किया और बोला कि वो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं क्योंकि उन्होंने आइलैंड को ढूंढ लिया है तो so, उन्होंने बोला कि अभी तो छह बज गए हैं अभी कैसे आइलैंड मिला तो बोला कि नहीं पापा आपने ढूंढ लिया है हम लोग बस आइलैंड पहुंचने वाले हैं एंड दैट्स हाउ उन्होंने आइलैंड को ढूंढा आइलैंड पे वो पहुंचे और अपनी लाइफ को उन्होंने बचाया हैव द मम्मी इज इन बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन नाइनटीन डिड कार्टर डू एंड वाई मम्मी की बहुत ही बुरी हालत थी ठीक है तो ये है हमारा सबसे खतरनाक चैप्टर पूरे आ, करिकुलम का ट्यूट वाला सो दिस इज ट्यूट एंड इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए तो एक बार इनको देख लेते हैं तो मम्मी बहुत ही बुरी हालत में मतलब मम्मी की जो कंडीशन थी बहुत ही बुरी थी अभी यहाँ पे वो भी कार्टर की वजह से तो क्वेश्चन ये है कि कार्टर ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मम्मी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी ना हार्वर्ड कार्टर जो थे वो एक ब्रिटिश आर्क्योलॉजिस्ट थे जो कि 1922 में जिन्होंने डिस्कवर किया था ट्यूट का टूम उन्होंने बहुत सारे कंटेंट्स को सर्च करने की कोशिश की थी आ, जो टूम की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं यहाँ पे उसके अंदर यू you नो know, बहुत सारे चीज़ें उन्हें देखने को मिली गोल्ड की यू नो you know, और वो गोल्ड की चीज़ें और वो सारी चीज़ें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था आर्क्योलॉजी में और उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था ंग होता है जो सारे ट्रेजर से उनको केयरफुली रिकॉर्ड कर लिया था जो पैरोआ कॉफिन पैरोआ के कॉफिन में था उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चालू किया तीन जो नेस्टेड कॉफिन और भी पड़े थे उनको जब वो फाइनली कैसे जैसे मम्मी तक पहुंचे उन्हें पता चला कि उनको मम्मी को रिचुअल रीजन्स के साथ में आ, दफनाया गया है तो कुछ रीजन्स होती हैं वो रिचुअल मतलब मैं आपको दिखा भी सकती हूँ इफ़ यू वॉन्ट तो ये क्या होते हैं यहाँ वहाँ पे रिचुअल है कि कोई एक इंसान जिसकी डेथ होती है उसको उसी के साथ दफनाया जाता है आई जस्ट टेल यू तो उसी के साथ दफनाया जाता है एंड ये देखिए बहुत ही लिक्विड ही होता है ये इस तरीके का दिखता है सो so, uh, इस इसके साथ उनको ओह हो आई थिंक कुछ और ही खुल गया था ये देखिए सो so, इसके साथ उन्हें दफनाया गया था और ये अभी उस टाइम जब दफनाया था तब वो लिक्विड था और अभी ऑब्वियसली वो हार्डन हो गया है जिसकी वजह से उनका जो पूरा बॉडी है वो उसके साथ चिपक गया था इसीलिए जो ट्यूट की बॉडी थी वो सीमेंटेड थी ट्यूट की बॉडी सीमेंटेड थी किसके साथ में आ, गोल्ड कॉफिन के साथ में अभी कार्टर ने क्या किया कार्टर ने मम्मी को लिया और उन्होंने मम्मी को बाहर तपती धूप में रख दिया मतलब 149 डिग्री फ़ारेनहाइट्स की धूप में उन्होंने रखा था उन, उनको लगा कि इस धूप की वजह से ये जो रेज़िंस हैं ये पिघल जाएंगे और इससे वो बॉडी को छुड़वा पाएंगे टू प्रिवेंट द थीव्स फ्राम रैन सेकिंग हीच इज वेल्थ बॉडी फ्री अभी उनको लगा कि थीव्स आएंगे और थीव यहाँ पर कोल्ड की वजह से पूरी बॉडी को खराब करके चले जाएँगे तो उन्होंने बॉडी को कैसे जैसे ऐसे ठोक ठोक के फ्री किया उन्होंने सेपरेट किया ट्यूट को उनकी एम्बलिशमेंट से जो एम्बेलिशमेंट्स जिनके साथ उन्हें दफनाया गया था उनसे हटा दिया कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने ममी मम्मी का हेड हटाया और बहुत सारे uh, यू you नो know, बहुत सारी जगह पे जो उनके जॉइंट्स थे उनके साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी सो दैट्स हाउ मम्मी की जो बॉडी थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी क्योंकि कार्टर ने उनके साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ किया था डिस्क्राइब द चेंजिंग ऑफ ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम नाउ यहाँ पे आर्क्योलॉजिस्ट जो थे उनका जो डिफरेंट एटीट्यूड्स थे वो आपको यहाँ पे बताना है इस तरीके का क्वेश्चन ट्यूट में से वापस पूछा जा सकता है ट्यूट आपको पता है चैप्टर ही ऐसा है जिसमें से सबसे घटिया से घटिया क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है so archaeologist has archaeology has changed substantially in intervening uh, like intervening decades it now focuses less on treasure and more on interesting details of life now pehle archaeology bahut zyada treasure gold inke upar depend karti thi और अभी ऐसा नहीं है अब definitely mysteries of death और इसके बारे में आपको तो पता ही है ट्यूट की लाइफ एक मिस्ट्री है आ, पता ही नहीं था कि उनकी डेथ कैसे हुई आ, उनकी एज क्या थी व्हाट वॉज द रीज़न ऑफ इस डेथ मतलब लोग बोलते हैं डेफिनेटली बट अभी तक सेटिसफैक्शन नहीं आया आर्क्योलॉजी डिपार्टमेंट को एग्जैक्ट उनकी डेथ कैसे हुई कोई नहीं जान पाया है तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ये चेंज हो गई हैं पहले लोगों को ट्रेजर से मतलब था इसके बाद में इंटरेस्टिंग फैक्ट से मतलब है एंड लेटर ऑन धीरे धीरे यहाँ पे टेक्नोलॉजी में भी चेंज आया है पहले एक्सरेज़ किए जाते थे अब सी स्कैन किया जाता है जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज होते हैं जिनके थ्रू आप एक्चुअली अपनी पूरी जो भी जिस भी चीज को आपने फाइंड आउट किया है उसको अच्छे से आप समझ सकते हो सो दैट्स हाउ आर्क्योलॉजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है वॉट आर द फैक्ट्स दैट आर नोन अबाउट किंग ट्यूड लीनेज सो किंग ट्यूट के हेरिडिटी um, के बारे में हेरिटेज के बारे में आपको क्या पता है सो so, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको यहाँ पे समअप कर दिया है तो आपको जो भी उनका पिछला जो भी था वो यहाँ पे मिल जाएगा सो एम एन थर्ड जो हैं जो कि ट्यूट के आ, ट्यूट के फादर थे या ग्रैंड फादर थे आ, वो एक्चुअली बड़े ही पावरफुल पैरवा थे जिन्होंने ऑलमोस्ट चार डेकेट तक यू नो राज किया था और उनका जो सन था लाइक उनके जो सन थे जो थे एम एन फोर्थ ठीक है उन्होंने उन्हें सक्सीड किया और डेफिनेटली उन्होंने आ, बहुत सारे टाइम तक लाइक उन्होंने उन्होंने एक ऐसा पीरियड देखा था इजिप्ट में जो बहुत डिफरेंट था ये जो एम एन फोर्थ थे आ, इन्होंने क्या किया इन्होंने आ, प्रमोट किया अटैन की वर्शिप को मतलब सन डिस्क की वर्शिप को उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया और अपना नाम रखा इज सर्वेंट ऑफ अतन तो उन्होंने इस तरीके से अपना नाम रखा उन्होंने रिलीजियस कैपिटल को भी चेंज कर दिया और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे जिसको लोगों को पूजना चाहिए उसको भी चेंज कर दिया उन्होंने इनफैक्ट और ज़्यादा शॉक कर दिया कंट्री को आमन आमुन को अटैक करके जो कि मेजर गॉड थे उनकी इमेजेस को स्मैश कर दिया उनके टेम्पल्स को बंद करवा दिया अखेंटन की डेथ के बाद में एक मिस्टीरियस रू जो रूलर था वो आया था एंड देन वो थोड़े टाइम में वो चला गया इसके बाद में पिक्चर में आए बहुत ही यंग टूटन कैत

ग्रेट uh, 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 जो ग्रैंड uh, फादर थे एम सॉरी ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं जो ग्रैंड फादर थे जो एम एन हॉटेप थर्ड थे वो वापस से अपने uh, जो पहले वाले उनके uh, uh, ये थे गॉड थे उनको वर्शिप करेंगे ना कि उन उन गॉड को जिनके उन जो उनके पापा वर्शिप करते थे सो दैट्स वाई उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया और उन्होंने अपना नाम रखा ट्यूटन खामुन ट्यूटन खामुन उन्होंने अपना नाम रखा जिसे शॉर्ट में ट्यूट बोला जाता है इज हैज सेव्ड आवर लाइफ अदरवाइज कैसे हम बोलते रहते उसको सो ट्यूटन खामुन उनका नाम उन्होंने रखा और उनका एक्चुअल नाम उनके पापा ने निकाला था ट्यूटन खाटन बट वो उन्होंने हटा दिया उन्होंने वापस से आम्युन जो था उसको जो उनके गॉड थे उनको वापस से प्लेस किया था हाउ डू द चाइनीज एक्सपेक्ट द पीपल टू व्यू द हॉरिजोटल स्क्रॉल एंड वाई सो यूरोपियन आर्ट जो है जैसे यूरोपियन आर्ट होती है और चाइनीज आर्ट जो हमने इस चैप्टर में देखा था तो यूरोपियन आर्ट और चाइनीज आर्ट में तो काफ़ी डिफरेंस है ना एक आर्टिस्ट जो चाइना में होगा वो ये नहीं देखेगा कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंगल से देखें या कुछ भी ऐसे देखें चाइनीज पेंटर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो uh, एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट चूज ना करें वो ये वो ये सोचते हैं कि आपको यू uh, नो you know, आपको खुद को अपने हिसाब से अपना uh, जो भी जो एक व्यू पॉइंट है वो सेलेक्ट करना है आप जैसे किसी पेंटिंग को देखना चाहते हैं वैसे देख सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू देम आप किसी भी चीज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ कोर्स फॉर फॉर यू योर आईज टू जर्नी अप एंड डाउन एंड देन बैक अगेन एट एन अनहरीड पेस तो बोला कि आपके लिए आर्टिस्ट एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो चीज को जैसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं आप वैसे उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और इसमें आप अपना खुद का इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कोई फोर्स नहीं करेगा व्यू पॉइंट आपके ऊपर कि ये देखिए इसका मतलब ये है यू कैन ऑलवेज विजिट दैट प्लेस पीपल हु लव पेंटिंग पीपल हु लव आर्ट वो इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे दिस इज इवन चूअर फॉर ऑफ दी हॉरिजोंटल स्क्रॉल तो हॉरिजोंटल स्क्रॉल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ट्रू है आप धीरे धीरे उस स्क्रॉल को ओपन करते रहेंगे तो आपको अंदर से एकदम ऐसा लगता रहेगा कि धीरे धीरे वो इंटेंसिटी ग्रो होती रहती है कि ठीक है पता नहीं क्या पेंटिंग इसके अंदर से निकलेगा सो so, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोला पेंटिंग के आस्पेक्ट्स ऐसे हैं पेंटिंग को आपको कैसे फील करना है ये यहाँ पर बताया जाता है फिर इसके बाद इट मेंसेसिट्स द एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द व्यूअर तो बोला कि चाइनीज ये बोलते हैं कि केवल हम जो पेंटिंग बना के रख देते हैं दैट्स नॉट द केस हम लोग चाहते हैं कि एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए व्यूअर का भी कि वो कैसे इस पेंटिंग को देखना चाहता है इट इज़ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट वॉट स्पीड ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग बोला ये व्यूअर है जो डिसाइड करेगा कि वो किस स्पीड में एक पेंटिंग को देखना चाहता है कितना ब्यूटिफुल्जर्व करना चाहता है वो उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालना चाहता है द इंटरैक्शन इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल बोला कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल होता है क्यों क्योंकि आप एज अ पर्सन आप डेफिनेटली एज अ पर्सन Uh, उसको देखते तो है ही हैं बट साथ ही साथ मेंटली आप उसे विजिट भी करते हैं द चाइनीज पेंटर वॉन्स यू टू एंटर हिज माइंड चाइनीज पेंटर आपको चाइनीज यू नो एक पेंटर uh, जो होगा वो अपने पेंटिंग में आपको उसके माइंड में घुसने के लिए बोलेगा कि आप देखिए आप कंप्लीट कीजिए इसको द लैंडस्केप द लैंडस्केप इज एन इनर वन एंड स्परिचुअल एंड एबस्ट्रैक्ट और लैंडस्केप जो होता है वो एक्चुअली अंदर क्रिएटेड होता है स्प्रिचुअल होता है यू कैन ऑलवेज यू नो टेक इट इन एनी मैनर दैट कम्स सो ये हो गया पेंटिंग वाला वॉट वॉज द रेवोल्यूशनरी आइडिया इन आर्ट दैट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय डबू फिट डूबू फिट टूबू फिट हाउ डिड एन इंडियन आर्टिस्ट सपोर्ट हिज थियोरी Now before the French painter Zine uh, challenged the concept of the art वर्ड in 1940s, people were not interested in art of the untutored creative thinker. 1940s थिंकर से पहले नाइनटीन से पहले कोई भी ऐसी आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं था यू नो कोई ऐसे क्रिएटिव थिंकर्स के जो बेचारे रॉ नेचर के हैं जिनकी पेंटिंग एकदम रॉ नेचर के कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं था ये वो थे ये जीन थे जीन थे जिन्होंने डिफाइन किया इस कॉन्सेप्ट को कि आप कुछ भी बना सकते हैं एंड आप जो भी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं एंड इट विल बी कॉल्ड यू नो पेंटिंग As a consequence, this outsider art has steadily become the fastest growing area of interest in modern art worldwide. और इसको वो आउटसाइडर आर्ट बोलते थे क्योंकि ये बोलते थे कि ये जो लोग हैं okay. ये जो लोग हैं ये लोग एक्चुअली ये उतने अच्छे पेंटर्स नहीं हैं इन्हें पेंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है बट ये अपने क्रिएटिविटी से उसे बनाते हैं दैट्स वाई उन्हें आउटसाइडर उनकी आर्ट को आउटसाइडर आर्ट बोला जाता था ये जो आर्ट है ये एक्चुअली बड़े ही पॉपुलरली ले गई है बहुत सारी जगह पे तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे मैं यहाँ से अगर हम देखें तो चंद जो है उन्होंने डेफ़िनेटली सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर किया है यू नो you know, एक लिटिल पैच ऑफ जंगल को क्लियर करके और एक गार्डन वहाँ पे बना के रिसाइकल्ड मटेरियल से जिसको आप रॉक गार्डन बोलते हैं चंडीगढ़ का सो so ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि इंडियन यू नो इंडियन आर्टिस्ट ने किया है आ, जीन से इंस्पायर होके

Uh, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो वापस से री कर सकते हो उसको यूज़ करके और उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन बनाया एंड उसको लिटरली बहुत सारे लोगों ने ऑल ओवर दी वर्ल्ड अप्रिशिएट किया वेरियस विजनरीज एंड अकैडमिशन्स हैगेंस्ट दी हजारडस कॉन्सिक्वेंसिस इफ़ वी डू नॉट वेक अप टू आवर रिस्पांसिबिलिटी टूअर्ड्स इन्वायरमेंट एलैबरेट सो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है एलिंग प्लानट जिसकी हम बात कर रहे हैं सो so, ये चैप्टर जितना ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उतना ज़्यादा ये हमारे थॉट के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम हमारे प्लानेट को कैसे देखते हैं यहाँ पर ऑथर हमें ये बोलना चाहते हैं कि जब सारी चीज़ें हमारे हाथ से ख़त्म हो जाती है जब हम पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देते हैं उसके बाद में हम जगते हैं कि ओके अभी हमें इसको बचाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो अब हम खुद यहाँ पे मरने वाले हैं सो so, तब हम अपने अब हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि ओके देर इज समथिंग जो कि यहाँ पे खराब हुआ है तो यू you नो know, ये बहुत ख़राब चीज़ है कि कोई चीज़ खराब हो गई उसके बाद हम रियलाइज करते हैं कि नहीं अभी हमें इसको बचाना है सो so, इसके बारे में थ्रू आउट यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस तो खराब होगा हो ही होगा वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे हम लोग खुद इस इन्वायरमेंट के साथ खराब होंगे और बहुत सारे डिजीजेज आ जाएंगे एंड न्यूमरस अदर थिंग्स वॉट आर द फोर सिस्टम्स दैट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ यहाँ पे चार चीज़ों के बारे में जो चैप्टर में बताया गया है वो है फिशरीज फॉरेस्ट ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड और इनके ऊपर अकॉर्डिंग टू ऑथर हमारी लाइफ डिपेंड करती है लाइक इसके अंदर वेरियस लोगों को मैंशन किया गया है एंड उनके उनके अकॉर्डिंग इनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारी लाइफ का अच्छा ये हम खराब करते जा रहे हैं वो अलग बात है वो आपको तो पता ही है कि हम लोग किसी चीज को जो हमारे पास abundance में उसे खराब तो करेंगे सो फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज एजुकेशन स्प्रेड एंड इम्प्रूव जस्टिफाई ना अभी आप यहाँ पे सोचिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपका दिमाग ये चलेगा कि यार इसमें ये चैप्टर कौन सा है एंड इसीलिए हम लोग आपको बहुत रेपिटेटिवली बोलते रहते हैं कि आपका आपका एनसीआर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है मैं आपको प्लस पे एकदम एनसीआर में लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन यूज माई कोड गिविन इन द डिस्क्रिप्शन विच इज एच डी सी लाइव टू गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन वैल्यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड एन सी आर टी विद मी आई एम गोइंग टू लॉन्च रिव्यूजनरी बैच फॉर इट सो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन से चैप्टर का है तो अब तो पूरा क्वेश्चन ही गया तो बाय द वे ये चैप्टर क्योंकि हम तो कंटिन्यूटी में कर रहे हैं तो एलिंग प्लैनेट ही है सो so, आपको पता है कि किस लेवल पे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है सिर्फ इंडिया का नहीं इंडिया डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में बट सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो हमारे पास खाने के लिए कम बचा है और खाने वाले बहुत सारे लोग हैं के खाने वाले बहुत सारे लोग हैं इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि इनकम भी बढ़ेगी एजुकेशन भी बढ़ेगी और हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होगी तो इसके लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाने चाहिए जिसकी वजह से हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं अदरवाइज यहां पे खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे और खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा ना लेट सी द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक हंटर ना ये जो है ब्राउनिंग वर्जन जिसमें हमारा टप्लू जिस जो टैपलो है बट हम प्लस वाले बच्चे इसको टप्लू बोलते हैं तो हमारा जो टपलू है वो टपलू के बारे में इसमें बताया गया है तो यहाँ पर आपको फ्रेंक दिखेंगे क्रॉकर uh, हैरिस दिखेंगे टैपलो दिखेंगे और उनकी वाइफ दिखेगी हाउ एवर एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि उसने पूरा पढ़ा है इसमें आपके आपके तो डेफिनेटली चैप्टर कम है बट एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि उसने पूरा पढ़ा है और ये ये पूरा जो लिटरेरी वर्क है बहुत खतरनाक है वो बता रहा था कि ये बहुत फनी है आगे क्योंकि हमारा तो चैप्टर बीच में ख़त्म हो गया जिसमें हमने देखा कि कैसे टैप लो तो चले गए वहां से फिर क्या हुआ वो वहाँ क्यों आई थी उनकी वाइफ वो सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ उसको पढ़ने के लिए लेट्स सी इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट या So, अभी यहाँ पे जो फ्रैंक फ्रैंक है ये यू नो uh, you know, एक साइंस टीचर हैं जो कि उस वक्त टैप्लो से बात करते हैं और इनकी और टैप्लो के बीच में ही मेजर कॉन्वर्जेशन हुई है सो लेट्स सी कि इनका कैरेक्टर कैसा है लाइक कैरेक्टर स्केच इनका हम देखने वाले हैं कि इन अ पर्सन मतलब एज अ पर्सन ये कैसे है कैरेक्टर स्केच इंग्लिश में बड़े इंपॉर्टेंट है तो प्लीज उसको करके जाना हम्म hmm. okay. frank hunter was the popular young science teacher he is liked by the student who feels he can understand them better than crocker harris he is also, uh, also popular because he teaches science which the student find easier to comprehend than classic which they think is a muck देखो बेटा ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है ये चैप्टर का इंटरप्रिटेशन है क्योंकि आ, उन्होंने जब टैपलो से बात किया तो उनके नेचर के बारे में पता चला तभी मैं आपको बता रही हूँ इफ यू वांट विल डू समथिंग अबाउट द कैरेक्टर स्केचेस बिकॉज ये खुद से इंटरप्रिट करके लिखना होता है सो ही सब्जेक्ट ही इज़ ईजी टू टॉक टू एंड अप्रोचेबल ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप इनसे बात कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल भी हैं ये ठीक है उनका जो एटीट्यूड है वो डेफिनेटली उनको एक बेटर टीचर बनाता है टैपलो काफ़ी ज़्यादा आसानी से उनके साथ में यू नो रिलेट कर पाया तो इवन दैट इज अमेजिंग वो कभी कभी भूल भी जाते हैं अपने आप को और यू uh, नो you know, अपने टीचर लाइक like, uh, टैपलो जो हैं वो भूल भी जाते हैं और बार बार क्रॉकर हैरिस को उन्होंने क्रॉक करके रिप्रेजेंट किया हाउ एवर ही एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टॉक इल ऑफ अदर टीचर्स बट इनमें बहुत ख़राब चीज़ ये है कि ये बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं फालतू बातें दूसरे टीचर्स के लिए करने के लिए जो कि गलत बात है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ही प्रॉब्स द डिटेल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड टैप्लो और बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि टैपलो की और उनकी रिलेशनशिप कैसी है वो एनकरेज करते हैं टैपलो को ताकि वो डिस कर सके टीचर्स के ऑर्डर्स को और, और ये चीज पता चली जब उन्होंने बोला कि क्रॉकर हैरिस को मिलने से पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ तो ये तो गलत बात है ना अगर कोई एक इंसान एक टीचर को ओबे करना चाहता है तो वो होना चाहिए बट वो ऐसे पर्सन नहीं है विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग अबाउट हिज कैरेक्टर

वॉट uh, मैं आपको ये बता रही थी कि जो टैपलो है आप उससे ये जान सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा वो कितना ज़्यादा अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करता है वो कितना ज़्यादा उनको बिलीव करता है कितना ज़्यादा उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है या वो जो समझाते हैं उसे समझने की कोशिश करता है या हमेशा कोशिश करता रहता है कि उनकी जो भी आज्ञा है उसका पालन हो दैट मीन्स हमेशा उन्हें ओबे करें सो इन अ वे वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और काफ़ी ज्यादा यू नो इंटरेस्टेड है साइंस में तो ये सारी चीजें हमें पता चलिए उनके बारे में रीड द एक्स्ट्रैक गिवेन बिलो एन आंसर टू ऑफ द्वेस्ट अच्छा ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दर हेयर एट द अंकल विथ कैमरा अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरेबली ट्रांसियंट फीट तो इस तरीके से एक्सट्रैल बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं और ये रहे आपके यहाँ पे आंसर ओके चलिए यहाँ पे आपको इसके बाकी वो भी मिल जाएंगे तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो गए ये रहे हमारे आंसर्स वॉट डज द पोएट मीन बाय स्माइल थ्रू देयर हेयर वर्ट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम दैट इज ट्रांजियंट सो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा बोथ ट्राई विद लेबर इज ऑफ लॉस अच्छा ये जो पर्टिकुलर हो ठीक है ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है पोएम का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों क्योंकि ये ना तो बच्चों को समझ में आता है और ये ज़्यादातर टीचर्स देते ही देते हैं सो बोथ राई विद दी लेबर्ड इज़ ईज ऑफ लॉस का यहाँ पे ये यह मतलब है कि दोनों एक तरीके से लॉस में है यहाँ पे uh, उनकी मॉम के लिए है। उनकी मॉम के लिए है, वो उनकी लाइफ उनका जो चाइल्डहुड था जब वो घूमने गए थे वो काफ़ी बड़ा यू नो लॉस है क्योंकि वो मेमोरीज उनकी हैं और वापस वो वहाँ नहीं जा सकती हैं जबकि यहाँ पे जो हमारी नरेटर uh, हैं जो हमारी पोएट हैं सॉरी उनके लिए लॉस जो है उनकी ममा है क्योंकि वो उनकी स्माइल को मिस करती है सो so, दोनों ही एक तरीके से अपने अपने लॉस को वहाँ पे देखती हैं जब भी वो उस पर्टिकुलर यू नो फोटो वो देखती है तो उन्हें दोनों ही लॉसेस याद आते हैं एक उनका खुद का लॉस क्योंकि उनकी ममा अब यहाँ पे नहीं है और एक उनकी ममा का लॉस क्योंकि उनकी ममा अपनी चाइल्डहुड को हमेशा मिस करती थी सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे ये यह लिखना पड़ेगा करेक्ट आंसर इसमें दे दिया है मैंने व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न फ्रॉम द गोल्ड फिंच इन द पोएम लेबर्नम टॉप लेबर्नम टॉप में आपको पता है कि लेबर्नम टॉप की एकदम हिट जो हमारी हीरोइन है वो है गोल्ड फिंच तो अभी यहाँ पे जो गोल्ड फिंच है उनसे आप क्या सीखते हैं लेबर्नम टॉप में आपको ये बताना है ना गोल्ड फिंच जो है वो मदर गोल्ड फिंच जिनकी हम बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छी हैं और इससे ऐसा पता चल रहा है कि पूरे लेबर्नम टॉप में वो एक इंजन जैसा काम करती हैं क्योंकि जैसे वो वहाँ आती हैं तो वो पूरा लेबर्नम टॉप जो कि इतना ज्यादा स्टिल था इतना ज्यादा डेड था वो एकदम से खड़ा हो जाता है एकदम से मूव करने लग जाता है एक सडन कमोशन वहाँ पे फील होता है तो समवेयर उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे कि मदरली क्वालिटी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो वहाँ पे आई है अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने उनको लेबर्नम टॉप में रखा है ताकि से बच्चों को रिकोगनाइज नहीं किया जा सके क्योंकि दोनों के कलर्स मिलते हैं तो कैमो वो करना चाहती है वहाँ पे साथ ही साथ वो एकदम चुपके से अंदर जाती है और एकदम चुपके से बाहर आती है और अपने आप को एकदम कवर कर लेती है वो लेबर्नम टॉप के लेबर्नम ट्री के फ्लास से एंड जिससे उन्हें कोई रिकगनाइज नहीं कर पाता

हर एक वर्ड का मीनिंग लिखा है तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि इफ यू आर प्लानिंग इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज प्लस डू टेक इट इन नवेंबर बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट अभी अभी से क्या है सारे रिविजन चालू हो रहे हैं अगर बाई चांस ये मिस हो गया तो फिर ये भी गया सो दैट्स एय सो यहाँ पे क्वेश्चन है ये लॉन्चेस का मतलब क्या होता है लॉन्चेस का मतलब यहाँ पे है कि वो उड़ के चली गई यहाँ से वॉट इफेक्ट line क्रिएट लाइन ने क्या इफेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट उसने क्रिएट किया है क्योंकि जब तक वहां पे वो रहती हैं तब तक लाइवलीनेस रहती है और जैसे ही वो वहां से चली जाती हैं सब खत्म वापस से एंट्री हो जाता है लेबर्नम डैश फ्रॉम द extract मीन्स द सेम एज स्ट्रेंज और मिस्टीरियस स्ट्रेंज और मिस्टीरियस का सिनोनम आपको बताना है डेलीकेट ऑर्ड इन्फिनाइट या फिर एरी आपका ऑप्शन है यहाँ पे एक्स्ट्रैक्ट में से बताना है बिना एक्स्ट्रैक्ट के तो शायद ऑर्ड भी इसका आंसर हो जाता सो एरी इज द करेक्ट आंसर डिस्क्राइब द राइड ऑफ आरम एंड मुराद वैन दे वेन टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम सो आपको तो पता ही है वो दोनों को कितना ज़्यादा हॉर्स पसंद था और जब वो पहली बार उन्होंने इनफैक्ट अगर अपन देखें तो आरम ने जब पहली बार हॉर्स देखा तो वो उतने में ही इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि राइड करना तो दूसरी बात थी सो so, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये हो गई कि उनका वहाँ पे ड्रीम पूरा हुआ था तो जब वो राइड करने गए तो उनकी राइड एकदम ऐसा था ड्रीम कम ट्रू वाली राइड थी बट वो दोनों के लिए हैपनिंग नहीं थी क्योंकि मुराद ने जब बोला कि मैं अकेले इसको राइड करना चाहता हूँ तो आरम ने भी बोला कि मैं भी अकेले करना चाहता हूँ इतने में जब आरम की बारी आई तो आरम को हॉर्स ने जो गिराया और मस्त वो गिर गया पूरे रास्ते मतलब उसने बस गिरा ही था वो और कुछ नहीं हुआ सो so बेसिकली दोनों के लिए वो नहीं था और फिर फाइनली हॉर्स भी भाग गया तो इट वॉज़ अ हार्ट ब्रेकर फॉर आरम Bring out the humor in Uncle Kusrov's and John Byro's meeting. Oh my God! If you talk about humor, you can talk all about it. Uh, Uncle Kusrov, you have to admit is admit this, guys. Uncle Kusrov is a person who is literally बहुत ज़्यादा हँसाते हैं throughout the chapter. He is like उनका घर जल गया and he is like pay no attention to it. मतलब उनका खुद का घर जल गया और एक बच्चा आया मतलब उनका खुद का बेटा आया ये बोलने के लिए कि पापा अपना घर जल रहा है. He was like pay no attention to it. तो यू you नो know, <laughs> उनका कैरेक्टर तो मस्त कैरेक्टर है एंड दैट्स इट्स इट्स लाइक ऑलमोस्ट यू नो अंकल खुसरो भी एकदम कूल है हर चीज में और वो जब जॉन uh, बायरो से मिलते हैं तो जॉन बायरो को भी वो यही बोलते हैं अरे क्या हुआ हॉर्स ही तो गया है पे नो अटेंशन टू तो इट तो आप इसमें डेफिनेटली खूब सारा ह्यूमर निकाल सकते हो डिस्क्राइब जॉन बायरोज मीटिंग with his horse and two boys. What impact did it have on him? देखो बेटा एक चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो वो यही है क्योंकि जॉन बायरो की मीटिंग अपने आप अप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है पूरे चैप्टर के लिए ना जॉन बायरो जब उनसे मिले थे जॉन बायरो को यकीन हो गया था कि उन्हीं का हॉर्स है बट क्योंकि गैरोगेलियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं कर चोरी नहीं कर सकता चोर नहीं हो सकता इस वजह से उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मेरे हॉर्स का ट्विन हो आप समझ रहे हो कि इस लेवल का ऑनेस्टी उन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट किया था कमाया था एंड सम वो जो पूरा ये ऑनेस्टी या जॉन बायरो से उनकी जो भी बात हुई थी वो पूरी एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग इफेक्ट लेके आई दोनों बच्चों के दिमाग में और उन्होंने सोचा यार ये इंसान इतना भरोसा कर रहा है अब फाइनली ऐसा करना चाहिए कि अब हमें इसका हॉर्स छोड़ देना चाहिए सो दैट हैपन सो ये इनका इम्पैक्ट निकला बट एक चीज़ और माननी पड़ेगी कि मुराद ने हॉर्स को और ज़्यादा बेटर बना दिया था जो जॉन बायरो डेफिनेटली नहीं बना पाता ओके देन कॉन्ट्रास्ट ओके कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ नरेटर्स मदर एंड मिसेस डॉर्लिंग ना आपको तो पता ही है कि इसमें हम लोग मिसेस uh, डॉर्लिंग तो ओ माई गॉड हर कैरेक्टर इज सो लाइक like, ऐसा लगता है कि इसका कैरेक्टर कितना ज्यादा बुरा है यार एक पर्सन जो इतना ज्यादा ज्यादा लाइक अगर अपन बात करें इस चैप्टर में तो सीधी हैं उन्होंने अपना सारा सामान मिसेस डॉल्डिंग को दे दिया उन्हें लगा कि वो वॉर में से जब वापस आएंगी तब वो सारा सामान उनसे ले लेंगी उन्होंने ये भी नहीं देखा कि एक दोस्त जो कि पता नहीं कब से नहीं मिला है और ऑल ऑफ अ सडन केवल सामान के लिए आ गया वो कितना ज्यादा सेल्फिश होगा एंड उन्होंने वो सारा सामान उनको दे दिया एंड वो बंदी सारा सामान खा गई जब नरेटर वहाँ गए और नरेटर ने देखा कि उनका सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है तो उन्होंने उनको घर में भी नहीं घुसने दिया जबकि नरेटर तो सिर्फ अपनी मम्मी की मेमोरीज वहाँ से कलेक्ट करने के लिए गई थी और वो भी उन्होंने नहीं करने दिया हाउ क्रूअल इज दैट यार हाउ क्रूअल सो ये चीज आपको ऐसे ही पूरा भड़ा इसके अंदर निकालना है ओके डिस्क्राइब द नरेटर सेकंड विजिट टू मिसिज डॉलिंग्स प्लेस तो जब वो सेकेंड टाइम विजिट करने गई तो डेफिनेटली उन्होंने सारी चीज़ें देखी सारी सारी यादें वापस आ गई हाउ एवर उन्हें अभी ये सारी यादें याद करनी नहीं थी क्योंकि हर एक चीज़ अपनी जगह पे अच्छी लगती है और वो सारी चीज़ें उनके घर में थी और जब वो उनके घर में थी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जब वो दूसरे इन्वायरमेंट थी तो उन उन्होंने अपना दूसरे इन्वायरमेंट में थी तो उन्होंने अपना चाम खो दिया था एंड दैट्स द रीज़न वाई यू नो नरेटर को अभी ये सब याद नहीं रखना था उन्होंने सब कुछ देखा सारी यादें उनको आई बट वो जाते जाते उन्होंने सोचा कि मैं इस एड्रेस को डेफ़िनेटली भूल जाऊंगी क्योंकि मैं इस जगह पे वापस नहीं आऊंगी जहाँ पे कोई इंसान की यादें तो हैं बट वो इंसान नहीं है The narrator pays a glowing tribute to his village होशा अली वॉट डज़ ही से सो आपको तो पता ही है रंगाज़ मैरिज में जितना ज़्यादा नरेटर ने होशा अली की तारीफ़ की है उतना ज़्यादा किसी ने किसी इंसान की नहीं की होगी होशा अली ऐसा है होशा अली ऐसा है वहाँ की मैंगोज़ ऐसे हैं बट डेफिनेटली उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से uh, होशा अली इतना अच्छा होने के बावजूद uh, उसको जोग्रफ़ी uh, में नहीं बताया जाता या वो मैप पर नहीं है सो so, उन्होंने होशा अली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई बोला कि होशा अली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैसूर के लिए कि जैसे कि गुजिया के अंदर उनकी फिलिंग अच्छा ये जो है ना कारी गा दाबू ये ना कारी गा दाबू दिस इज गुजिया ओनली सो माय स्टूडेंट्स टोल मी दिस सो इसमें गुजिया होती है इसमें फिलिंग होता है सो so, एकदम वैसा ही है तो बोला कि एकदम जैसे फिलिंग होती है ना गुजिया के वैसे ही मैसूर है वैसे ही होशा अली है मैसूर के लिए फिर उन्होंने बताया कि वहाँ के मैंगोज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्रीपर आपको मिल मिल जाएंगे पॉन्ड में जहाँ पे अगर आप नहाने जाओगे तो क्रीपर अगर एक दो पत्ते अगर आप लेके आ जाओ तो आप आराम से उस पर खाना खा सकते हो आपको कोई टेंशन नहीं है प्लेट की सो so, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और होशा को डिस्क्राइब किया डिस्कस द रिएक्शन ऑफ पीपल टुअर्ड्स रंगा रंगा का रंगा को देख के लोगों को ऐसा लगा कि रंगा छः महीने बाद आया है तो रंगा एकदम से बदलावा होगा और पता नहीं रंगा एकदम से बदल ही जाएगा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि रंगा में डेफिनेटली कुछ तो चेंज आने वाला है बट ऐसा कुछ हुआ नहीं जब उन्होंने रंगा को देखा तो उन्हें पता चला कि रंगा एक्चुअली वैसे का वैसा ही है एंड इनफैक्ट उसने अपने कास्ट को भी वैसे का वैसे रख रखा है सो so, uh, मतलब जब एक लेडी ने उनके चेस्ट पे हाथ लगाया और उन्हें पता चला कि उन्होंने अभी भी जनेऊ पहन रखी है तो उन्हें पता था कि ठीक है उन्होंने अपनी कास्ट भी नहीं भूली है सो so, अभी यहाँ पे रंगा को देखने के लिए भीड़ तो ऐसे आई थी जैसे कि रंगा के हाथ पांव आंखें सब बदल गई होंगी बट ऐसा कुछ नहीं था जब वो वापस आए तो उन्होंने रियलाइज किया कि रंगा वैसे का वैसा ही था डिस्क्राइब द दस प्लो प्लॉट होगा ये टू गेट प्लो प्ले प्ले टू गेट रंगा मैरिड ये भी हो सकता है हम्म, hmm. so, अभी यहाँ पे आपको पता है नरेटर उन पड़ोसियों जैसे हैं जो कि आपकी शादी करा के मानेंगे सो so, नरेटर ने जैसे ही रंगा को देखा और उन्हें पता चला कि रंगा ऑरेंजेस लेके आया और उन्होंने देखा कि माय oh गॉड रंगा लिटरली बहुत अच्छा आदमी है तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो रंगा की शादी करवानी है मतलब रंगा के पापा को नहीं लगा कि रंगा की शादी होनी चाहिए बट नरेटर को लगा कि हमें इसकी शादी करानी है तो जब वो एक रामा राव दूसरे रामा राव जो थे जब वो उनके घर पे गए तो उनको वहाँ पे एक, रत, एक लड़की दिखी रतनाम जो कि बहुत अच्छी थी और वो गाती भी बहुत अच्छा थी और स्टेट अवे उन्हें लगा कि इसकी शादी तो रंगा से हो जानी चाहिए जब उन्होंने रंगा से पूछा था कि तुम किससे शादी करना चाहते हो तो रंगा ने बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो प्रिपेयर नहीं है और वो शादी फॉर दैट मैटर्स करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक उन्हें एक ऐसी लड़की नहीं मिल जाती जो कि उनके लेवल पे मेच्योर हो तब तक शादी करने का मतलब नहीं है बट जैसे ही उन्होंने जान के नरेटर ने रंगा और रत्ना को आमने सामने किया और फिर उन्होंने जान के बार 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 रंगा को टीज किया ताकि रंगा अपने दिल की बात उन पे बोल दे और फिर उसके बाद उन्होंने शास्त्री को यू नो थोड़ा सा पटाया और बोला कि यार प्लीज इनकी शादी के लिए हाँ बुलवा दो तो फिर वो चीजें करके उन्होंने समहाओ रत्ना और रंगा की शादी करवा दी एंड रत्ना और रंगा इतने ज्यादा खुश थे कि श्यामा जो कि हमारे नरेटर हैं उन्होंने उनकी शादी कराई कि उन्होंने अपने बेटे का नाम श्यामा ही रख दिया सो वाई वॉज एलबर्ट मिजरेबल इन म्यूनिच एलबर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा मिजरेबल थे म्यूनिच में क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पढ़ाई कराई जाती थी वहाँ पर जिस तरीके के लोग थे वो उनको पसंद नहीं था उन्हें समझ में ही नहीं आता था वो चीज़ तो उन उनको रटने के लिए बोला जाता था डेट्स को इसको उसको उनको ना आइडियाज़ पसंद थे वो ये सोचते थे कि जो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है ना मैं वो पढ़ूँगा मैं क्यों पढ़ूँगी कोई हिस्ट्री में कोई बैटल कब हुआ था क्या हुआ था तो ही वॉज ऑलवेज ऑफ दैट काइंड वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि मुझे ये सब नहीं करना है मुझे इनफैक्ट वो पढ़ना है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ तो उनका जो थ्योरी था एजुकेशन का जो कि उनके टीचर ने बोला था हिस्ट्री टीचर ने कि चलो आप सुनाओ कि आपकी थ्योरी क्या है एजुकेशन की वो उसके थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस किया कि ये वो इस, इन सारी चीज़ों में वो बिलीव नहीं करते हैं एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि स्कूल तो था ही साथ ही साथ उनका जो जहाँ वो रहते थे वो भी बहुत ज्यादा मिजरेबल था क्योंकि उनकी लैंड पूरे दिन अपने बच्चों को डांटती रहती थी और जो यू नो लैंड लेडी का हजबेंड था वो सैटरडे को पीके आता था और वो उनको मारता था तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सा था उसके बाद में आइंस्टाइन को थोड़ा चैन की सांस लेने के लिए म्यूजिक uh, प्ले करना होता था और वो उसको म्यूजिक भी प्ले नहीं करने देती थी सो दैट वॉज द रीज़न कि उन्हें ऐसा लगता था कि म्यूनिच एक अच्छी जगह नहीं है और वो यहाँ से जाना चाहते हैं कॉमेंट ऑन द रोल ऑफ यूरी एज डिस्क्राइब इन द एक्सट्रैक्ट लाइक दैट एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट गिवन राइट हर बट आई एम जस्ट आई जस्ट वॉन्टेड यू टू

तो यूरी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो आ, अल्बर्ट आ, अल्बर्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करे जब अल्बर्ट को स्कूल से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर की मदद की ज़रूरत थी और वो चाहते थे कि वो डॉक्टर कोई डॉक्टर उनके लिए लिख के दे दे कि उनको स्कूल से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है तो यूरी था जो कि उनके सामने आया उन्होंने उनके लिए डॉक्टर अरेंज किया और वेल वो उनके साथ उनका अपॉइंटमेंट फिक्स किया एंड दैट हा उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि वहाँ पर उनको सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिलवाया था तो सारा मेजर काम यूरी ने किया था जिसकी वजह से यू uh, नो you know, इतना ज़्यादा जो है एल्बर्ट uh, uh, जो है वो थोड़े खुश हो पाए और वो वहाँ से निकल पाए सो डेफिनेटली यूरी का रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट था एल्बर्ट की लाइफ में Keeping the whole passage in mind, uh, briefly discuss Einstein's character as it is revealed here. So ये आ, Einstein के character पे question मेरे को करवाना था, like ये पे कि भाई ये question आप कर लीजिए एक बार। तो इसमें passage नहीं है, तो don't see के passage कहाँ पे है? So Einstein का character हम लोगों को देखना था। तो एल्बर्ट um, आइंस्टाइन क्या थे लिटरली बहुत अच्छे साइंटिस्ट रह चुके हैं अपने टाइम का बट उनके uh, उनके थाट्स जो थे एजुकेशन uh, को लेके उनके थाट्स जो थे हर एक चीज़ को लेके वो थोड़े डिफरेंट थे वो चाहते थे कि आइडियाज़ को प्रमोट किया जाए वो चाहते थे कि एक्चुअली uh, आइडियाज़ को आगे बढ़ाया जाए लोग कैसा सोचते हैं लोग क्या पढ़ना चाहते हैं वो चीज़ वो करना चाहते थे वो चीज़ वो हमेशा से अडॉप्ट करना चाहते थे वो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्डेड इंसान थे सीधा मुंह पे बोलते थे किसी भी चीज़ को आ, कभी भी ऐसा लगता था कि उन्हें कि कोई चीज़ जो है ऐसा नहीं छुपाना बटर करना ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने वो बहुत ही ऑनेस्ट थे और इसीलिए यूरी ने उनको वर्ल्ड का वर्स्ट लायर बोला था आइंस्टाइन को म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगता था और उन्हें लगता था कि वो अच्छी तरीके से लाइफ गुजार सकते हैं अगर वो वो पढ़ें जो कि उन्हें पढ़ना है इस चैप्टर में एल्सा का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ उसको भी देख के जाइएगा अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि यहाँ तक मैंने चैप्टर्स करवाए हुए हैं प्लस में तो इसीलिए यहाँ तक की ही आज का हमारा सेशन होने वाला है इसके बाद वाले चैप्टर्स का सेशन में आ, का मतलब मैं पार्ट टू इसका लेके आऊंगी जिसमें इसके बाद वाले चैप्टर्स का भी सेशन हम लोग करेंगे अच्छा इसके साथ साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग इसमें नवंबर में कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिन कोर्सेज में आप रिवाइज कर सकते हैं आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ में हम लोग कुछ सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं एमसीक्यूज कर सकते हैं तो यू कैन ऑलवेज बी देयर